हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, अगर मैं आपको कहूं कि आप सिंगल क्लिक में तमिल, चाइनीज, कोरियन, स्पेनिश, इंग्लिश एंड बहुत सारे ऐसे 35 प्लस लैंग्वेज के वीडियो क्रिएट कर सकते हो तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे AI एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा या फिर आपको एक ऐसे AI वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पे आप सिंगल क्लिक में बहुत सारे लैंग्वेज में आप अपने वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस, आपको तो पता ही है कि इंडिया के मुकाबले फॉरेन कंट्री के जो एड रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप कुछ नहीं, आप बहुत सारे पैसा कमाने वाले हो, क्योंकि आप अपने वीडियोज़ को हिंदी में क्रिएट करके या किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट करके अलग अलग लैंग्वेज में आप उसे कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके अपलोड कर सकते हो अपने YouTube चैनल में एंड एड रेवेन्यू अपने बढ़ा सकते हो। तो गाइस, आज मैं इस एप्लीकेशन का जो बताने वाला हूँ उसका नाम है ब्लिपकट AI वीडियो ट्रांसलेटर। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस लिंक पे टैप करोगे तो गाइस AI वीडियो ट्रांसलेटर इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देख लो, आपको सिंपल इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप PC के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्री डाउनलोड पे करके अपने PC के लिए डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 35 प्लस लैंग्वेजेस में आप अपने वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो। स्पेनिश, रशियन, आप जो भी लैंग्वेज में करना चाहते हो बहुत सारे लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। वीडियो डबिंग के साथ साथ आपको ऑटो कैप्शन जनरेटर भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कैप्शन देखने को मिलेगी जो कि आज बहुत ट्रेंड में चल रही है। AI वॉइस चेंजर भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड AI वॉइस क्लोनिंग भी आपको मिल जाएगी, जो आपके ही वॉइस को क्लोन करके आपके ही वॉइस में वहाँ पे बताएगी, जो कि काफ़ी कमाल की फीचर है। इसकी अपकमिंग फीचर है लिपसिंक, जो कि ये कमाल की होने वाली है। लिपसिंक भी करेगी आप ही के फेस पे, स्पेनिश बुलवाएगी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन कर लेना, न्यू यूज़र हो तो साइन अप कर लेना, ठीक है। लॉगिन करने पे आप यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही टैप करोगे तो साइन इन विद गूगल से भी आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट डिटेल फिल कर लेता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन पे टैप करने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाओगे एंड लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको ट्राई इट फ्री पे आपको टैप करना है। एक सेकेंड, ट्राई इट फ्री पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। आपको इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे अपने वीडियो को ट्रांसलेट करने के लिए। एक अपने डिवाइस में जो वीडियो होगा उस डिवाइस के वीडियो को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, कहीं से भी आप URL पेस्ट करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, अपने डिवाइस के जो वीडियो है मैं उसमें यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मेरी एक वीडियो थी पुरानी, उसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। तो जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हिंदी में मैं इस वीडियो को बनाया था, तो यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज में आपको हिंदी कर देनी है, या आप नहीं भी करोगे तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। एंड किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करनी है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन फिल करना है। एडवांस सेटिंग में आपको ऑन करना है, ठीक है। एंड ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपको AI वॉइस चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वॉइस के भी मिलेंगे, फीमेल के भी मिलेंगे। तो आपको अगर फीमेल का चाहिए तो फीमेल वाला भी यूज़ कर सकते हो एंड मेल का चाहिए तो मेल वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर सबटाइटल के लिए गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑन करना होगा जो कि मैंने अभी यहाँ पे ऑन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे स्पीकिंग रेट कंट्रोल है ना, आपको वो ऑन करके ट्रांसलेट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे देख लूँ, मैंने ट्रांसलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारी वीडियो जो है ना वो प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुकी है एंड प्रोसेस होकर यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट के पास हमारी वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लो, यहाँ पे हमारी प्रोसेस होकर यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट में हमारी आ गई है और यहाँ पे ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सबटाइटल के लिए वो जो टेक्स्ट है हमारा वो ट्रांसलेट कर रहा है। तो यहाँ पे होते ही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो देख लो, हमारी वीडियो कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुकी है, हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या इसका रिजल्ट आया है। अभी रिकॉर्ड में तो मैंने यहाँ पे बंद करके रखा था, म्यूट करके रखा था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ चीज़ें। वेलकम बैक टू दिस एक्साइटिंग न्यू वीडियो एंड वेट, होल्ड ऑन अ सेकंड बिफोर यू रश टू सर्च द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिसन टू मी। This message is specifically... तो गाइस, आप देख सकते हो कि कितनी कमाल की हमारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है एंड काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिला है। एंड अब यहाँ पे देख लो, अगर मान लो बीच में आपको जो कैप्शन में अगर कोई वर्ड मिसिंग है तो आप यहाँ पे ऑटो यहाँ पे खुद से यहाँ पे मैनुअली भी आप एडिट कर सकते हो यहाँ पे जो भी आपको कैप्शन में ऐड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सबटाइटल वगैरह का आपको अगर फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना होगा तो सिंपली आपको सबटाइटल में आना है। देख लो, कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो सबटाइटल में आने के बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला सबटाइटल यहाँ पे ऐड करूँगा
एंड इसके जो फॉन्ट है ना वो रोबोटो कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे साइज़ वगैरह आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। स्पेसिंग में आप 0 रख लेना, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। एंड कलर वगैरह टेक्स्ट की आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, एंड बोल्डनेस वगैरह भी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने अभी चेंजेस यहाँ पे क्लिक किया है। तो अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना, और यहाँ पे थोड़ी देर आपको 30 सेकंड 40 सेकंड यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, आपकी जो चेंजेस है वो अप्लाई हो रही होंगी। तो यहाँ पे अप्लाई होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, एंड डाउनलोड करने के बाद हम जहाँ भी इसको अपलोड करना चाहे वो अपलोड कर सकते हैं। याद रहे कि ये डाउनलोड ऑडियो, डाउनलोड सबटाइटल, एंड यहाँ पे एक विथ सबटाइटल वाला जो है ना वो ऑन कर लेना, वरना आप सब कुछ मिस कर लोगे। ये ऑन करने के बाद इसे सिंपली आपको इसे डाउनलोड टैब पे क्लिक कर लेना है, एंड आपकी ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, एंड ये आप कहीं भी अपलोड कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लिंक से जाकर डाउनलोड कर लेना, या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट पर भी चले जाओगे। अब रही बात URL की, तो सेम प्रोसेस URL की भी है, आप URL पेस्ट करके यही सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी और भी कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आप इसमें कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो आप इसमें कस्टमर को कांटेक्ट करके उनसे आप बात कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल की ये AI टूल है, आप इसे यूज़ करो, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये AI टूल कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, तो डिस्क्रिप्शन से लिंक पर जाकर टैप करके आप इस AI टूल को यूज़ करना, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट आट, बाय बाय एंड टेक।